प्यारे बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका फिर स्वागत है। आज हम कक्षा 5 हिंदी में पाठ 7 दशहरा नामक पाठ के प्रश्नोत्तर समझेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ का पहला प्रश्न है, दशहरे का मेला देखने कौन कौन गए? उत्तर, दशहरे का मेला दीपा, दिनेश और अनुश्री देखने गए। अगला प्रश्न है, किन किन स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है? उत्तर, मैसूर, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, जबलपुर आदि स्थानों का दशहरा दर्शनीय होता है। अगला प्रश्न है, श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहते हैं? उत्तर, लंकापति रावण से युद्ध के दौरान श्री राम ने धर्म व नीति की मर्यादा को नहीं लांघा, अर्थात मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, इसलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विजयादशमी क्यों मनाई जाती है? उत्तर, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने इस दिन घमंडी अत्याचारी लंकापति रावण का अंत किया था, इसलिए हर वर्ष इस दिन को विजयादशमी यानी कि दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, माँ जगदम्बे ने किन किन राक्षसों का वध किया? उत्तर, माँ जगदम्बे ने शुंभ निशुंभ राक्षसों का वध किया। अगला प्रश्न है, मैसूर के दशहरे का वर्णन अपने शब्दों में लिखो या अपने शब्दों में कीजिए। उत्तर, कर्नाटक प्रांत के मैसूर में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हाथी पर महाराजा की सवारी ठाट बाट से निकाली जाती है। आकाश में रंगीन आतिशबाजी होती है। पूरा शहर रोशनी से जगमगाहट होता है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में क्या कहा है? उत्तर, क्रांतिकारी वीर राम प्रसाद बिस्मिल ने दशहरे के महत्व के बारे में कहा था कि विजयादशमी साहस और संकल्प का महापर्व है, परंतु इस ऊर्जा का प्रयोग जातिवाद, आतंकवादियों और देशद्रोहियों को नष्ट करने में होना चाहिए, ना कि अपनों के प्रति। बच्चों, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, दशहरे को ही विजयादशमी भी कहते हैं। गुजरात में रंग बिरंगे परिधान पहनकर गरबा नृत्य होता है। माँ भगवती ने महिषासुर नामक असुर का वध किया। रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। सीता का हरण लंका के राजा रावण ने किया था। अगला प्रश्न है,
दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। उत्सुकता, पहाड़ी, क्षेत्र, रावण, दशहरा, कर्नाटक। जो शब्द दाएं तरफ दिए गए हैं ये सभी दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप हैं। अगला प्रश्न है, निर्देशानुसार बदलिए। पहला है, दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। प्रश्नवाचक, इस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो इसका प्रश्नवाचक वाक्य होगा, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है? और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे, प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा, क्या दशहरा सभी स्थानों पर इसी प्रकार मनाया जाता है। दूसरा, रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। इस वाक्य को संदेहवाचक वाक्य बनाना है। तो इसका उत्तर होगा, शायद रावण एक शक्तिशाली और विद्वान राजा था। इसके बाद दिए गए शब्दों से, दिए गए संज्ञा शब्दों से विशेषण शब्द बनाना है। विशेषण शब्द बनाइए। घमंड, घमंड से हम विशेषण शब्द बनाएंगे, घमंडी। इसी तरह गुलाब, गुलाबी। धन, धनी। विदेश, विदेशी। भार, भारी। अन्याय, अन्यायी। बनारस, बनारसी। ये सभी विशेषण शब्द हैं। बच्चों, अभी हमने पाठ 7 दशहरा नामक पाठ के प्रश्नोत्तर, खाली स्थान आदि को समझा, और इसी के साथ हमारा यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।